अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HBS न्यूज़ में खुश आमदीद। हैदराबाद जानीशा के इलाके में गुज़श्ता 10 दिन से ट्रांसफार्मर फटने से इलाका मकीन पानी से महरूम। इलाका मकीनों का कहना था हिस्को अपना किबला दुरुस्त नहीं करती। साबिक चेयरमैन UC20 हक परस्त डॉक्टर आबिर सान MNA साबिर कायम खानी की जद्दोजहद से इलाके में ट्रांसफार्मर लगवाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद हुसैन सान है और मैं सबका हक परस्त चेयरमैन UC20 हूँ। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है वो तकरीबन 10 दिन से ट्रांसफार्मर की सुनवाई नहीं हो रही थी। प्राइवेटली लोगों ने बनवाया, पैसे देके, मगर उसके बाद दोबारा से वो जो है वो नकारा हो गया। और फिर मैं तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि हम लोग जोनल ऑफिस MQM पाकिस्तान के पास गए और फिर उन्होंने अपने MNA साबिर कायम खानी भाई का मैं बेहद मशहूर हूँ, जिनसे तकरीबन जो है वो 15-20 मरतबा फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमें उसकी जगह पे जो है वो नया ट्रांसफार्मर मिला है। डॉक्टर आप इसके बहुत दिल से दुआ करते हैं, इन्हें हमको बिजली लगवा के दी। कम से कम हम 15 दिन से इधर ऐसे ही घूम रहे थे, कोई पानी नहीं दे रहा था, कोई कुछ नहीं दे रहा था। ये डॉक्टर साहब ने बहुत हमारे लिए कहा, मोहल्ले के लिए अच्छा किया, आज चांद रात हमको ट्रांसफार्मर लगवा के दे रहे हैं। डॉक्टर साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी। अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और हमारे 3 नंबर तालाब के रहवासी जो शदीद परेशान थे 10 दिन से, मोहल्ले के बच्चों ने बहुत कोशिश की, बनवाया, लेकिन वो 12 घंटे चला फिर वो ब्लास्ट हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने अपनी सोर्सेस से और अपने मुतदा के जो चैनल था उनसे कह के, MNA को कह के, सारे जो भी हायर अथॉरिटी थी सोर्सेस करके और चांद रात हमारे मोहल्ले में ये मसला था कि 10 दिन से लाइट नहीं थी, इसलिए हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बन नहीं पाया। अगर बना भी तो रात को तकरीबन 12 घंटे चला, उसके बाद ये है कि वो फट गया, ब्लास्ट हो गया उसका। उसके बाद भी कोशिश की लेकिन वो हमारी कोशिशें नाकाम गई। उसके बाद मैंने भी डॉक्टर साहब से बात की थी, मोहल्ले वालों ने भी बात की, 10-12 मतलब के 1-1.5 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब ने साबिर कायम खानी साहब से बात की थी, मेरी भी बात हुई थी। तो अपना साबिर कायम खानी साहब ने कहा था कि सर आप भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो आज हमें सोने भी नहीं दिया है आपके मोहल्ले की वजह से। जाहिर सी बात है सब परेशान थे, पीने का पानी नहीं था और अपना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। इस वजह से हम शुक्रगुजार हैं साबिर कायम खानी साहब के, जिसने हमें न्यू ट्रांसफार्मर पिछले 2-3 घंटे में हमें मुहैया करके दिया है।